हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी। ट्यूसडे में मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ट्यूसडे से मंडे से ही तन्मय के कान में दर्द शुरू हो गया था। मैंने सोचा वैसे ही हो रहा है, दवाई दे दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर अगले दिन ट्यूसडे में उसको स्कूल से आने के बाद गाड़ी में ही शुरू हो जाता था इसको दर्द। अभी इसको गाड़ी में से ये मतलब अपने इसके पापा बोलते थे कि अजीब सा हो जाता है, उदास सा हो जाता है जब इसको स्कूल से लेता हूँ और ये बस सो जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और जब हम इसको दवाई देते तो उसके कानों का दर्द ठीक हो जाता था, वही जो एक बार और हुआ था। तो अभी ये बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर को दिखा लिया है, सब कुछ करा लिया है। थर्सडे से, बृहस्पतिवार से ये बिल्कुल ठीक है। कल भी पूरा दिन ठीक रहा ये, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि रहता है ना कि हम बच्चे के पास रहते हैं तो नहीं हो पाता ये सब। और मेरा मन तो कर रहा था कि मुझे वीडियो बनाना है, लेकिन फिर मैं एडिटिंग नहीं कर पाती, टाइम से उसको अपलोड नहीं कर पाती, तो फिर बनाने का मतलब ही नहीं था। तो आज से मैंने वीडियो शुरू कर दिया है, और अभी 1:20 हो रहा है। गुड्डू और विपिन आने वाले हैं, सैटरडे है तो तन्मय की छुट्टी होती है हर सैटरडे, तो इसलिए तन्मय स्कूल नहीं गया। कल गया था, परसों भी नहीं गया था। तो चलिए, और तन्मय का सरप्राइज टेस्ट हुआ था, हमें पता ही नहीं था कि टेस्ट है क्योंकि स्कूल नहीं गया था। तो तन्मय की 5 में से 5 और 5 में से 3 ऐसे मार्क्स आए थे। हाँ, सबको बात तो कर लो, सब मिस कर रहे थे। हाय, इतनी आवाज नहीं जाएगी वहां तक, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। हेलो, वीडियो गया था कल सैंडविच वाला, मैंने कहा चलो मैं इसको ही अपलोड कर देती हूँ। मैं बना भी रही थी उस वक्त, तो मुझे लगा कि मैं इस जरिए आप तक मैं पहुंच जाऊंगी, उसमें मैं दिखी नहीं कहीं भी, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो इसमें मैं क्या दिखूं, और मुझे बस वीडियो अपलोड करना था, आप लोगों के कमेंट पाने थे, तो वो मैंने कर दिया था। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप तो दिखे ही नहीं, थोड़े से तो दिख जाते, तन्मय और गुड्डू को ही दिखा देते, चाहे थोड़ा सा दिखा दिया करो, वीडियो अधूरा रहता है बच्चों के बिना। तो बस यही सारा चक्कर था, आज से नहीं है, बस ये ठीक रहे। बहुत दिक्कत करता है ये जब बीमार हो जाता है। तो मैंने ये क्या रखा हुआ है मैं दिखा देती हूँ। ये वाला सूट मैं पहले दिखा चुकी हूँ, ये तैयार होके आ गया है, काफी दिन पहले आ गया था। तो ये इस तरीके से बनवा लिया है। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि कल मैं इसको पहनने वाली हूँ। कल है संडे और कल हम मॉर्निंग में 8 या 8:15 तक निकल जाएंगे। हम जा रहे हैं यमुनानगर, और ये इसकी कुर्ती। अब मुझे ये हो रहा है मैं इसको पहनूं ना पहनूं, इसके चक्कर में मैं दूसरा कोई साड़ी में पहनूंगी नहीं इतनी गर्मी में। गर्मी इसमें भी बहुत दबाकर लगेगी, और सोच रही हूँ कि ऐसा कोई सूट भी नहीं है जो मेरे पास रखा हुआ हो मैं उसको पहन लूं। मतलब कुछ हैवी सूट चाहिए इस तरह के फंक्शन में, या हैवी साड़ी हो या फिर कुछ और ड्रेस टाइप हो। तो अभी बजट भी नहीं है कि मैं अभी जाऊं और लेकर आऊं, इसकी भी तबीयत खराब हुई है तो आप समझ सकते हैं। purple.com से बहुत सारा सामान ऑर्डर किया हुआ था कल संडे के लिए ही, तो कैंसिल भी हो गया था बीच में तो जाना, पर जो सामान आता तो आ जाता वो हम रख लेते घर पे, चाहिए ही था। लेकिन क्या हुआ कि मेरी डिलीवरी कैंसिल हो गई। 11-12 अप्रैल को मैंने ऑर्डर दिया था, और कल 2-3 दिन पहले मैंने चेक किया तो वहां मेरी डिलीवरी कैंसिल दिखा रहा है। तो फिर मैं बाजार से कुछ सामान लाई हूँ, एक ये लिपस्टिक लाई हूँ, ब्लू हेवन की है और 04 इसका शेड है। नहीं, हाथ में नहीं, हेयर बैंड का है दीदी का, ये गुड्डू के लिए लाई हूँ, गुड्डू लगा लेगी, उसके सारे हेयर बैंड इसने तोड़ दिए हैं, आप ही हाथ लगाओ। और ये इयर रिंग्स हैं, तो ये वाले इयर रिंग्स हैं, मुझे बहुत सुंदर लगे, मैं लिए बगैर रह ही नहीं पाई, और इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा ये, क्योंकि दुपट्टे के साथ ये मैच हो रहे हैं। मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ, कोशिश करूंगी कि आज ही मैं इसको एडिटिंग वगैरह सब कर दूं और इसको अपलोड पे लगा दूं। चूड़ियां हैं, तो मैंने बहुत इसमें देखी चूड़ियां मिल जाए कांच की, कुछ अच्छा सा सेट बन जाए, लेकिन नहीं मिल रहा था तो मैंने ये ले लिया। ये किसी के भी साथ हम डाल सकते हैं, और ये मुझे अच्छी भी लगी, ये ले लिया। और ये जो है ये 150 रुपए की है,
₹250 के इयररिंग्स हैं। लिपस्टिक का मुझे पता नहीं है क्योंकि ये टोटल में हुआ था, ये मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये कितने का है। तो ये दीदी लबड़ नहीं, रबड़ इस पे प्राइस नहीं लिखा हुआ। और मैं लेकर आई हूँ काजल पेंसिल, ये सिर्फ ₹40 की है। गुड्डू के लिए लेकर आई हूँ, दो चोटी बनाने का मन हो तो दो एक से रबड़ चाहिए। और हाँ, ये मेरे मंगलसूत्र की चैन है क्योंकि मेरे मंगलसूत्र की चेन टूट गई है और कल मैं मंगलसूत्र डालूंगी। और नितिन नहीं जाएंगे हमारे साथ क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी उन्होंने भंडारे वाले दिन की छुट्टी की थी। दीदी भी यही रहेगी। किसको? मुझे। मैं सुबह में तो नहीं जा पाऊंगी, और ना सुबह में पार्लर खुलता है 5-6 बजे, तो मैं अभी करा लूंगी शाम में। और मैंने इसीलिए खाना अभी बना दिया है। ये तो बोल रहे थे कि नहीं तुम उधर से आओगी तो खाना वाना खाते हुए आ जाना, मतलब इनके साथ ही। तो देखते हैं कैसे होता है, अभी शाम तक की तो प्लानिंग नहीं कर सकते कि भाई खाने पीने की। हाँ, बालों की कंफर्म है कि मुझे ये कराने हैं। और मेरी चेन ना उतार के मैंने वहां टांगी हुई है, तो मैं पहन लेती हूँ, डर लगता है खून आ जाए, बनती भी नहीं है फिर दोबारा इस तरह की चीजें। और मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। थ्रेडिंग मैंने करा ली है और बस कुछ नहीं करना है, बालों को कराना है क्योंकि मुझे स्ट्रेट बाल बहुत बुरी तरह से पसंद है। मैं अपने लिए बना रही हूँ मैगी, ये थोड़ा सा मक्खन बचा हुआ है ये मैं इसमें डालूंगी, ये मटर और ये टमाटर लिया है छोटा सा था इतना सा, छोटा सा प्याज और ये आधी शिमला मिर्च थी और थोड़ा सा धनिया। और मैं एक पैकेट बना रही हूँ तो इसलिए सब कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है। कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, उसमें घी डाल दिया है मैंने, उससे पहले प्याज डाल देती हूँ। तो अभी मैं इसमें मटर भी डाल दूंगी क्योंकि टमाटर डालने के बाद मटर गलेगी नहीं, तो इसलिए मटर अभी डालना पड़ेगा। ये मैंने साफ करी थी कल, पूरी रात इसको सूखने दिया, अभी अच्छे से सूख गई है। मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, बहुत दिक्कत होती है उधर से मसाले बार बार लेने में और इससे आसानी रहती है। तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं खा लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और मुझे अभी गुड्डू का सर भी धोना है क्योंकि कल तो मैं नहीं धो पाऊंगी सुबह में उठ के, तो अब मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है मैगी को देखने के बाद, और बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में। आजकल इतनी तेज धूप हो रही है ना, बहुत तेज धूप हो रही है, खिड़की खुली हुई है ना तो उसकी रोशनी आंखों में लग रही है और अंदर भी गर्मी लग रही है। पंखा चलाया हुआ है, आप लोगों को आवाज भी आ रही होगी पंखे की। और बस अब मैं बैठती हूँ, गुड्डू कह रही है कि मम्मी मैं हटाऊंगी आपकी नेल पॉलिश, तो वो आएगी वो हटाती है, फिर मैं लगाती हूँ कोई नेल पेंट अच्छा सा। मैं इसको देख रही हूँ, ये ऐसा हुआ कि ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो बोल रहे थे कि चलो दवाई ले आते हैं, अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे स्किन के, अच्छी दवाई देते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन मैंने कहा अब नहीं इसको ऐसे ही ठीक करते हैं। तो मैंने इस पे एलोवेरा लगाया, मुल्तानी मिट्टी भी लगाई मैंने, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें की, नींबू वगैरह, तो अब जाके ये ठीक है। इसमें अब खारिश भी नहीं है, इसमें खारिश हो रही थी। कहाँ हो दोनों, आ जाओ, अभी थोड़ी देर सो जाओ, बाद में पढ़ाई लिखाई करना। गुड्डू तन में, गुड्डू आते ही पढ़ाई में लग गई,
कि कल जाना है मम्मी, कल टाइम नहीं लगे। गुड्डू तो बोल रही थी मम्मी मैं हटाऊंगी नेल पेंट, ऑर्डर नहीं है, करते हैं। देखो जरा जो दूसरी वाली है वो वाली मैं ले आऊंगी अपने आप। आप कैसी तबीयत है आपकी, सबको बता दो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सी आप लगाओगे? मैं अपने आप ले लूंगी। मैं ले लूंगी अपने आप। मैं ले आऊंगी। चलो साइड में रख दो, अभी करते हैं, अभी लगाते हैं। आओ इधर आओ, सब मिलने के लिए बोल रहे थे कि गुड्डू कहाँ है। लगाऊंगी ये नहीं लगाऊंगी। आप क्यों लगाओगे, स्कूल नहीं जाना परसों? गंदी बात हटाती, गंदी बात नहीं करती। तो चलिए अब इन दोनों की शुरू हो गई है नेल पेंट को लेकर, तो अब मैं इन दोनों को देखती हूँ। कल मैं अपना वीडियो सुबह से ही शुरू कर दूंगी, जब मैं निकलूंगी गाड़ी में बैठूंगी या उससे पहले भी। बच्चे दोनों फिर से अंदर चले गए हैं, मतलब वो मैडम और स्टूडेंट की तरह खेलते हैं। कभी गुड्डू, वैसे तो अधिकतर गुड्डू ही हमारी मैडम बनती है और तन्मय बेचारा स्टूडेंट बनता है, तो वो उसको पढ़ाती रहती है, डांटती रहती है। मैंने लक्की से बात कर ली है, लक्की के साथ जाऊंगी मैं विकास नगर, जो मैं बता रही थी कि मुझे जाना है पार्लर, तो वहां जाऊंगी। और नेल पेंट हटाकर गुड्डू चली गई है अंदर, ये निशान नहीं गया अभी तक। भाभी के पास मैं दोनों बच्चों को छोड़कर जाऊंगी, तन्मय को भी गुड्डू को भी। तन्मय वैसे जिद कर रहा है कि आज लेके चलो, उस दिन भी नहीं लेके गए थे। मतलब 3 साल के बच्चों को भी याद है कि उस दिन नहीं लेके गए थे, आज चलो आपने प्रॉमिस किया था, आप गंदे हो ये वो। अब गर्मी है, मैं इसको बाइक पे लेके जाऊंगी, फिर इसको गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है, फिर वो लगेगी, फिर बीमार होगा, तो इसलिए इसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं। और वो मुझे लेने आ नहीं पाएंगे क्योंकि वो 3 बजे के बाद अपना ऑफिस बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, रात के 9 बजे तक, मतलब जब तक घर ना आ जाए, घर के लिए निकलते हैं उसके बाद, उससे पहले वो 3 बजे से पहले जा सकते हैं हम लोगों के साथ। तो ये उनका 10 सालों से चलता आ रहा है कि 3 बजे के बाद, मतलब इमरजेंसी कुछ है तो वो आ जाएंगे, लेकिन बिना इमरजेंसी के वो 3 बजे के बाद नहीं आएंगे। तो बस ये करते हैं वो कि जैसे किसी को भेज देते हैं, अगर मुझे जरूरी है कहीं जाना है जैसे पार्लर वगैरह, तो वो किसी ना किसी के तरीके से मैं चली जाती हूँ, मेरा काम नहीं रुकता। मतलब तो अभी लक्की के साथ जाऊंगी, तो लक्की आ गया था और लक्की खुश होता है मुझे कहीं लेके जाने में, उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं चाची को लेके जाऊंगा। तो आप लोगों से बहुत सारी बातचीत कर ली है मैंने, और अब टाइम आ गया है वीडियो के एंड करने का। तो चलिए मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और तन्मय बिल्कुल ठीक है अभी, उसको अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वीरवार से अभी तक वो बिल्कुल ठीक है, बस भगवान सबके बच्चे ऐसे ही ठीक ठाक रहें। तो चलिए बाय बाय।